दोस्तों यूं तो आपने टीवी इंडस्ट्री में कई सुपरनेचुरल शो देखे होंगे जो अपनी इंटरेस्टिंग कहानियों और मजेदार किरदारों के साथ दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, पर इस कोशिश में बहुत से कम शो कामयाब। जिनमें से एक है स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ सीरियल ये जादू है जिनका, जिसमें अमन और रोशनी के बीच काफी ज्यादा खूबसूरत लव स्टोरी दिखाई गई थी जो दर्शकों के दिलों को छू गई थी, और इसी के चलते ये शो और इसके कलाकार दर्शकों के चहेते बन गए थे। लेकिन दोस्तों इस शो को प्रसारित हुए आज काफी समय बीत चुका है। क्या आप जानते हैं कि इन बीते सालों में इस शो के कलाकार आज कहाँ हैं, किस हाल में हैं और कैसी जिंदगी बिता रहे हैं? शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस शो में काम कर चुके कुछ कलाकारों की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं कि वो आज कैसी जिंदगी जी रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये कलाकार। नंबर एक, स्मिता बंसल। जी हाँ, इस कड़ी में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री स्मिता बंसल का, जिन्हें इस शो में अमन की माँ परवीन खान का किरदार पर्दे पर उतारते हुए देखा गया था, जिन्हें इन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतारा था। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेत्री के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि अभिनेत्री आज अपनी 40 साल की उम्र पार कर चुकी है, जिसके चलते इनमें काफी ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। जी हाँ, शो में इन्हें सूट और साड़ी में काफी ज्यादा सिंपल अवतार में देखा गया था, तो वही आज इन्हें काफी ज्यादा स्टाइलिश कपड़ों में देखा जाता है, जिन्हें देखकर लोग इन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। तो वही बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दें कि ये अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं, जहाँ रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें आखिरी बार अलादीन नाम तो सुना होगा, शो में देखा गया था। नंबर दो, अरहान बहल। कबीर जुनैद का किरदार पर्दे पर बखूबी उतारने वाले अभिनेता हैं अरहान बहल, जो अपने इस किरदार से दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि अपनी 36 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इसीलिए इनमें काफी ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। जहां शो में इन्हें काफी ज्यादा स्टाइलिश अंदाज में देखा गया था, तो वहीं आज भी इन्हें पहले जैसा ही अंदाज में देखा जा सकता है, पर इनका स्टाइल और लुक पहले के मुताबिक और भी ज्यादा एनहेंस हो चुका है, जिससे ये और भी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। वहीं बात करें के निजी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दें कि ये आज भी अपनी निजी जिंदगी में सिंगल हैं और सिंगल ही अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नंबर तीन, श्रुति शर्मा। सीरियल में रोशनी की कजन और रेहान की प्रेमिका किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि ब्यूटीफुल अदाकारा श्रुति शर्मा ही हैं। इन्होंने इस किरदार को काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था और अपने किरदार से सभी की चहेती बन गई थी। लेकिन अगर बात करें शायरी चौधरी के किरदार में नजर आई अभिनेत्री श्रुति शर्मा के बारे में, तो आज ये 26 साल की हो गई है, और जहां ये सीरियल में सादगी भरे अंदाज में नजर आई थी, तो वहीं इन बीते सालों में ये काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, जिन्हें आज काफी मॉडर्न लुक में देखा जा सकता है। वहीं इनकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा एनहेंस हो चुकी है, क्योंकि आप इन तस्वीरों के जरिए देख ही पा रहे होंगे। बात करें इनके निजी जिंदगी के बारे में, तो खबरों के मुताबिक ये अपने को स्टार अबरार काजी को डेट कर रही हैं। वह इनके मुताबिक ये अफवाहें हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। नंबर चार, विक्रम सिंह चौहान। अब बात हो रही है ये जादू जिनका शो के स्टार कास्ट की, तो उसमें भला अभिनेता विक्रम सिंह चौहान कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि यही तो हैं जिन्होंने शो में अमन जुनैद का किरदार पर्दे पर खूबसूरती से उतार कर अपने करियर में चांद चांद लगाए थे। वही बात करें इस दमदार अभिनेता के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि आज अपने 31 साल की उम्र पार कर चुके हैं, और इसके चलते जहां शो में इन्हें फॉर्मल कपड़ों में देखा गया था, तो वहीं आज इनका ये स्टाइल बिल्कुल ही बदल चुका है, जिन्हें आज ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक कैरी करते देखा जा सकता है, जिसे आज इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना लिया है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख ही पा रहे होंगे। ये बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दें कि आज भी अपनी लाइफ में सिंगल हैं और वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस कर रहे हैं। नंबर पाँच, अदिति शर्मा। इस कड़ी में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री अदिति शर्मा का, जिन्हें शो में रोशनी के किरदार से दर्शकों को अपनी खूबसूरती और अदाकारी से दीवाना बनाते हुए देखा गया था। वही बात करें इस दमदार और खूबसूरत अदाकारा के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि अदिति शर्मा आज अपने जीवन में सफल 24 साल पूरे कर चुकी हैं। इसी के चलते जहां पहले शो में इन्होंने अपने ट्रेडिशनल वियर से सभी को अपना दीवाना बनाया था, तो वहीं आज ये स्टाइलिश और गॉर्जियस लुक से भी हर किसी को अपना दीवाना बना रही हैं, जिसके चलते आज इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि आज ये अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है। जल्द ही अल्ट बालाजी की वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं। वही बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने कुछ सालों पहले ही अपने करियर की शुरुआत की है, और इसी के चलते ये वर्तमान में अपने करियर पर ही फोकस करना चाह रही हैं।
जिसके चलते ये आज भी अपनी लाइफ में सिंगल ही हैं। तो दोस्तों, इन सभी कलाकारों में से आपको किस कलाकार का बदला हुआ रूप सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।